अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सोनिया में। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं ज़बरदस्त से चिकन मैक्रोनीस। तो ये बहुत मज़े के होते हैं, ये बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद है। तो जिनको चाइनीज़ पसंद है तो वो ये इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने मैक्रोनीस ले ली है, ये मैं हाफ पैकेट यूज़ करूँगी। और बंद गोभी है मेरे पास एक कप, शिमला मिर्च है एक कप, गाजर है एक कप और हरा प्याज एक कप। चिकन भी है मेरे पास एक कप, 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है और 2 टीस्पून नमक है। और ये सोया सॉस है, 2 टीस्पून डालूँगी टेबलस्पून, और सिरका भी 2 टेबलस्पून और चिली सॉस 2 टेबलस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें मैक्रोनीस के लिए। तो सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालूंगी, उसमें 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी। 2 टीस्पून ऑयल के डालूंगी और इसको बॉईल आने तक इसको बॉईल करेंगे, फिर इसमें डालेंगे मैक्रोनीस। पानी बॉईल हो गया, अभी हम इसमें डालेंगे मैक्रोनीस। हिलाएंगे, तो इसको हम पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट में ये बिल्कुल गल जाएंगी। तो तब तक हम अपना यहाँ पे एक बर्तन में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया, इसमें डाल दूँगी चिकन। तो इसको अच्छे से मैं करूँगी फ्राई, ये पिंक से वाइट कलर इसका हो जाएगा। इसको अच्छे से हम करेंगे इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। इधर हमारा चिकन फ्राई हो रहा है और साथ में हमारे मैक्रोनीस भी बॉईल हो रहे हैं। चिकन को मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिए। अभी मैं डाल दूँगी इसमें कैरेट। शिमला मिर्च डाल दूँगी, बंद गोभी डाल दूँगी और हरा प्याज डाल दूँगी। इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। अभी इसमें मैं डाल दूंगी नमक और काली मिर्च। तो 2 टेबलस्पून डालूंगी सिरका, आप लोगों ने स्पून के साथ नाप के डालना है। तो मैं इस तरफ डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, तो आप लोग नाप के डालिएगा। चिली सॉस की पाउडर को हम इस तरह से शेक कर लेंगे अच्छे से, फिर डालेंगे ये सारी चीज़ें। मैंने डाल दी 2 टेबलस्पून, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैक्रोनीस जो है हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं, तो अभी इनको हम छान लेंगे। इस तरह से छानने के बाद इसको मैं ये डाल दूँगी, ऊपर डाल दूँगी ठंडा पानी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो मैक्रोनीस मैंने इसमें डाल दिए, अभी मैं इसको करूँगी मिक्स। इनको मैंने ठंडे पानी से वॉश किया था, ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपक रही, अलग अलग सी हो गई हैं। मैं तो अच्छे से मिक्स करूँगी। तो बस इनको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम कर देंगे बंद। जी तो ये रेडी हो गई हैं, फ्लेम करूँगी बंद, इसको निकालूंगी 7 प्लेट में। जी तो ये देखें ज़बरदस्ती हमारी मैक्रोनीस जो हैं वो रेडी हो गई हैं। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े किए हैं ये। थैंक यू।